पावन अभिनंदन के पूर्व पादुका पूजन के लिए हम आमंत्रित करते हैं। अभी अभी हमारे बीच श्री अमर अग्रवाल जी माननीय मंत्री महोदय भोजन नहीं शास्त्र सिद्धम शक्ति स्तुते गुरु भगवन नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम नमपि ते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापि ते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतं हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखं वंदे वाल्मीकि कोकिलं निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखदमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना माननेन कीर्तनीयः सदा हरिः श्रीराम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय नमो महद्भ्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण
समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वत वृंद, भक्त वृंद, मान्य श्री मंत्री महोदय और मातृशक्ति, आप महान भावों ने अद्भुत अपनत्व, आस्था, उत्साह और आह्लाद पूर्वक इस भव्य कार्यक्रम का समायोजन किया है। इस कार्यक्रम के समायोजन और संचालन में जिन महान भावों का गुप्त अथवा प्रकट योगदान है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्वविद उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। सज्जनों, यह भारतवर्ष विश्व का हृदय है। हमारे आपके जीवन में प्रत्येक अंग और प्रत्यंग का महत्व है, तथापि सर्वोत्कृष्ट महत्व हृदय का है। हृदय की गति अवरुद्ध या विकृत हो जाने पर जीवन विलुप्त हो जाता है या दिशाहीन हो जाता है। अतः प्रयास पूर्वक भारत के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा का प्रयास वार्षिक उपाय क्रियान्वित करना चाहिए। यद्यपि भारत स्वतंत्र देश माना जाता है, स्वतंत्रता के हम पक्षधर हैं, स्वतंत्र में स्व शब्द का अर्थ अपना होता है, तंत्र का अर्थ सिद्धांत और अधीन होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर सैद्धांतिक धरातल पर भारत स्वतंत्र देश नहीं सिद्ध होता, क्योंकि वेदादि शास्त्र सम्मत न तो शिक्षा पद्धति है, न रक्षा पद्धति है, न कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प हैं, न सेवा और उद्योग के प्रकल्प हैं, न संविधान की आधारशिला ही है। अब तो द्रुत गति से भोजन, वस्त्र, आवास, न्याय, विवाह आदि की सारी प्रक्रिया सनातन सिद्धांत के सर्वथा विपरीत विकास के नाम पर क्रियान्वित और उद्घोषित हो रही हैं। ऐसी स्थिति में विचार करने की आवश्यकता है कि भारत सैद्धांतिक धरातल पर अत्यंत परतंत्र देश है। जिन तंत्रों ने छलवल डंके की चोट से भारत पर शासन किया, वे ही आज छद्म रूप से पृष्ठपोषक होकर भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। अंतर यह है कि जब मानवता की धज्जी उड़ाकर विदेशी षड्यंत्रकारियों ने भारत पर शासन किया और जो भी कदम उठाया, उनका इतिहास तो विकृत हुआ, लेकिन आजकल इतिहास विकृत हो रहा है भारतीय राजनेताओं का और राजनीतिक दलों का, शासन वे कर रहे हैं। हम यह भी सोच सकते हैं, विदेशी षड्यंत्रकारी अपने शासन काल में जितने सफल नहीं हुए, उतने सफल स्वतंत्र देश में हो रहे हैं। इधर ध्यान देने की आवश्यकता है। विविध राजनीतिक दल के नेता, मूर्धन्य मनीषी विचारक माने जाने वाले, विकास की चर्चा करते हैं, लेकिन सनातन सिद्धांत के अनुसार वे न तो विकास को परिभाषित कर सके हैं, न क्रियान्वित ही। आजकल जो विकास को परिभाषित करते हैं, कर चुके हैं, क्रियान्वित करते हैं, कर चुके हैं, वे सब
सनातन विज्ञान विहीन ही है। ऐसी स्थिति में इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी जब सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के सिद्धांत न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट है, तब उसको क्रियान्वित करने में क्या आपत्ति है। मैं निसंकोच दृष्टि से, भाव से देश के हित में, विश्व के हित में एक तथ्य यहाँ उद्भाषित करना चाहता हूँ। मानवाधिकार की सीमा में विभाजन के बाद के भारत में जैसा शासन तंत्र होना चाहिए था, अब तक भारत को सुलभ नहीं हुआ। अभी सुमित्रा महाजन जी लोकसभा की माननीय अध्यक्षा थी, दिल्ली में विशाल कार्यक्रम हुआ था, वहाँ भी मैंने उनके सम्मुख यह कहा था अपने प्रवचन में, विभाजन के बाद का भारत जैसा होना चाहिए था वैसा ना होकर ठीक उसके विपरीत किया गया है। तो इन राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को यह विचार करना चाहिए कि उनके हृदय में देशभक्ति है तो क्रियान्वित क्यों नहीं हो रही है, और देशभक्ति का अर्थ क्या है। पहले ही मैंने कहा, स्वतंत्र परंपरा प्राप्त शास्त्र सम्मत सिद्धांत जहाँ क्रियान्वित हो उसका नाम स्वतंत्रता है, या स्व के अधीन वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत के अनुरूप जहाँ पर शासन तंत्र हो उसको हम स्वतंत्र कह सकते हैं। भारत तो स्वतंत्र देश सैद्धांतिक धरातल पर है ही नहीं। साथ ही साथ छलवल ढंके की चोट से वेदादि शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन विलुप्त किया जा रहा है। पूरा विश्व इस तथ्य को जानता और मानता है कि भारत के वैदिक मनीषियों ने, विचारकों ने, संतों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने विश्व को अर्थशास्त्र दिया, धर्मशास्त्र दिया, कामशास्त्र दिया, मोक्ष शास्त्र दिया, नीति शास्त्र दिया, चिकित्सा शास्त्र दिया, गणित का विज्ञान दिया, वास्तु विज्ञान दिया। भगवान मनु ने उच्च स्वर से उद्घोषित किया है, भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति, जो कुछ काल गर्भित है सबका ज्ञान वेदों के द्वारा होता है। मांडूक उपनिषद ने उद्घोषित किया, वेदों का बीज ओंकार या प्रणव है, ओंकार की महिमा वेद की ही महिमा मान्य है, जो कुछ काल गर्भित ही नहीं अपितु कालातीत तत्व या पदार्थ हैं उनका अधिगम भी वेदों के द्वारा ही होता है। एक विचित्र तथ्य है, श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 18वें अध्याय के 3रे 4थे 5वें श्लोकों के माध्यम से भूदेवी जो कि गाय का रूप धारण करके महाराजा अधिराज आदिराज पृथु के सम्मुख प्रस्तुत थी, उसने संदेश और उपदेश दिया, राजन वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो उपाय या सिद्धांत हैं उनकी उपेक्षा करके कदाचित लौकिक उत्कर्ष का भी मार्ग प्रशस्त किया जाता है तो वह घातक सिद्ध होता है। कदाचित कोई परलोक को न मानता हो, देहात्मवादी ही क्यों ना हो, आखिर वह अर्थ और काम का पक्षधर तो होता ही है, लेकिन अर्थ और काम के मार्ग में भी जितने उपाय वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत के विरूप अपनाए जाते हैं उनके गर्भ से विस्फोट निकलता है। अब कुछ महीने बाद हम वृंदावन जाएंगे होली पर। वृंदावन में कहावत है, बुरा न मानो होली है। तो यहाँ भी बुरा न मानो होली है। वस्तुस्थिति यह है कि पूरे विश्व में शरीर को आत्मा मानकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया गया है, इसलिए पूरा विश्व दिशाहीन है और नकलची भारत तो सबसे अधिक दिशाहीन है। अगर शांति यहाँ है
तो प्राचीन मान्यता या सिद्धांत जितने अंशों में हमारे आपके हृदय में है उसके बल पर है। स्वतंत्र भारत के राजनेताओं ने जो कुछ दिया उसके बल पर तो अशांति ही है। हाथ कंगन को आरसी किया, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यह कलंक है या नहीं शासन तंत्र के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए? इससे बढ़कर क्या कलंक होगा? जिनके कारण हमारे मुंह में अन्न जाता है वो आत्महत्या करने के लिए बाध्य हैं, विवश हैं। कहाँ कोई शासन तंत्र पर लक्षित होता है जो किसानों के आंसू पोंछ सके? अन्नदाता मरने के लिए तैयार हो और मरने के लिए बाध्य हो, ये कौन सा शासन तंत्र है? ऐसी स्थिति में सज्जनों, जितने भी राजनीतिक दल हैं और सांस्कृतिक सामाजिक संस्थान हैं, देश के प्रति आस्थान्वित होना उनका दायित्व है। सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से एक मार्ग प्रशस्त करना चाहिए कि स्वतंत्र भारत का निर्माण किस आधार पर होना चाहिए था। पहले ही मैंने बताया, शिक्षा पद्धति हमारी अपनी नहीं, रक्षा की प्रणाली हमारी अपनी नहीं, कृषि गौरक्ष्य वाणिज्य के प्रकल्प हमारे अपने नहीं, सेवा के प्रकल्प हमारे अपने नहीं, उद्योग के प्रकल्प हमारे अपने नहीं। तो मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पर लाल टोपी सोए, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, कहते रहिए, हिंदुस्तानी दिल कैसे मिलेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा के आधार पर व्यक्ति का मस्तिष्क और हृदय बनता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, दार्शनिक धरातल पर सावधान, जिस दृश्य को सुनने देखने की क्षमता, अनुभव करने की क्षमता हमारे मन में नहीं है, स्वप्नावस्था में भी हम उस दृश्य को देख सुन या अनुभव नहीं कर सकते। अंतर योग्यता का परित्याग करके स्वप्नावस्था हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार शिक्षा के आधार पर हृदय और मस्तिष्क की संरचना होती है। विचार और आचार दोनों का मूल शिक्षा है। उस शिक्षा में दिशाहीनता होने के कारण सचमुच में हमारे हृदय और मस्तिष्क को, पूरे जीवन को अंग्रेजों ने खरीद लिया। एक और विचित्र बात है, कोई खरीदता है तो जिस वस्तु को खरीदता है उसके मालिक को धन देता है, और जिस व्यक्ति को खरीदता है उसे धन देता है। अब तो हम धन देकर अंग्रेजों के हाथ अपने हृदय और मस्तिष्क को बेच रहे हैं। ऊँची बड़ी विचित्र बात है, हम ही धन दे रहे हैं और वो हमारे जीवन को खरीद रहे हैं बिना मूल्य के, मूल्य ले करके। इन सब विषयों पर विचार करना चाहिए। इस भारतवर्ष में हम भी रहते हैं, हमको तो एकांत में कभी कभी मधुर मुस्कान और कष्ट भी होता है। गुरु गोविंद और ग्रंथों की कृपा से, माता पिता की कृपा से जो कुछ दो अक्षर प्राप्त है, अगर मैं पाश्चात्य जगत को देना चाहूँ तो करोड़ों डॉलर वर्षें, और सब हमारा ज्ञान विज्ञान पाश्चात्य जगत के हाथ में चला जाए, समझ गए? लेकिन भारत में वो चेतना नहीं है कि हमारे ज्ञान विज्ञान से भी लाभान्वित हो सके। मैं एक संकेत करता हूँ, हमारे आपके पूर्वज कौन, सबसे प्रथम पुरुष कौन? श्रीमन नारायण भगवान विष्णु, उन्हीं की परंपरा में हम आपका जन्म है। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए, फिर कालांतर में वंश परंपरा की कुल प्रवर्तक मनुष्यों की अभिव्यक्ति हुई उसी में हम हैं। और गुरु परंपरा भी हमारी श्रीमन नारायण से प्रारंभ होती है। श्रीमन नारायण के बाद दसवें स्थान पर भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग थे। शंकराचार्य के बाद 145वें स्थान पर मैं हूँ। भगवान श्रीमन नारायण से मेरा गुरु परंपरा की दृष्टि से 155वां स्थान है। संख्या कुल 155, अवधि कितनी? 1,97,49,000 और 2017 तक 117 वर्ष। 1,97,49,49,117 वर्षों की हमारी वंश परंपरा गुरु परंपरा है।
मंत्री जी बैठे हैं, थोड़ा विचार करें। अजगर की प्रजाति की सरकार रक्षा तो नहीं कर पाती, लेकिन चर्चा तो कम से कम करती है। चीते शेर आदि वृक्षों की प्रजाति की सरकार रक्षा तो नहीं कर पाती, चर्चा तो करती है रक्षा की, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए। गुरु गोविंद ग्रंथ माता पिता के अनुग्रह से हम जैसे व्यक्तियों को जो इतनी पुरानी ज्ञान विज्ञान परंपरा प्राप्त है, हम अपने साथ लेकर ही दम तोड़ जाएं, चले जाएं, इससे बढ़कर विश्व की क्षति हो सकती है क्या? क्या भारत सरकार का या भारत के तथा कथित सांस्कृतिक संगठनों का इधर ध्यान है? हम लोगों का कोई महत्व सरकार की दृष्टि में, शासन तंत्र की दृष्टि में है? हम व्यक्ति की चर्चा नहीं करते, लेकिन यह ज्ञान विज्ञान तो एक दिन में नहीं आ सकता। 1,97,29,49,117 वर्ष की परंपरा का ज्ञान विज्ञान हम लोग संजो के रखे हैं, लेकिन ज्ञान विज्ञान का घोर तिरस्कार भारत में होता है। अभी तो भारत में इतनी भी क्षमता नहीं है कि अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का देश के हित में उपयोग और विनियोग कर सके। हमारी मेधा शक्ति भारत में रहकर विदेशी कंपनी में या भारत के बाहर विदेशी कंपनी में बिकने के लिए उत्पन्न होती। विद्यालय में बच्चों को भेजा ही जाता है बिकने योग्य होने के लिए, तो देश कैसे चलेगा? इन सब तथ्यों पर विचार करने के लिए राजनीतिक दलों के पास कोई समय नहीं, राजनेताओं के पास कोई समय नहीं। और सच्ची बात है कि राजनीति की परिभाषा भी ये राजनेता आप जैसे महानुभावों को छोड़कर बोलने का यही ढंग है। आपको आप जैसे महानुभावों को छोड़कर बोलिए, अब सुप्रीम कोर्ट तक कोई जाएगा हमें फांस नहीं सकेगा। राजनेताओं को यह भी समय नहीं है कि राजनीति कहते किसे हैं, पहले इसे तो समझें। राजनेता होंगे कैसे? नीति शब्द का अर्थ धर्म होता है, यह तो आप जानते हैं। राजविद्या, राजगुह्य, इन सब शब्दों का प्रयोग भगवद गीता में आया है, 9वां अध्याय पढ़िए। तो नीतियों में सबसे श्रेष्ठ जो नीति हो उसका नाम राजनीति है। दूसरी ओर विचार करें तो राजनीति का पर्याय राजधर्म है। तीसरी ओर राज शब्द का अर्थ राजा, क्षात्र धर्म का नाम राजनीति है। चौथी ओर विचार करें तो दंड नीति का नाम राजनीति है। पांचवी दृष्टि से विचार करें तो अर्थनीति का नाम सज्जनों राजनीति। उन्माद फैलने और फैलाने का नाम राजनीति नहीं है। अराजक तत्वों की बपौती का नाम राजनीति नहीं है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भीष्म जी ने कहा मंत्रिमंडल में 4 ब्राह्मण हों, घर भरने के लिए नहीं, देश को अपेक्षित दिशा देने की भावना से 4 ब्राह्मण मंत्रिमंडल में होने चाहिए, जिनके कारण शिक्षा नीति आदि दिशाहीन न हो। मंत्रिमंडल में 8 क्षत्रिय होने चाहिए ताकि रक्षा की व्यवस्था, दंड नीति संतुलित रहे। क्षत्रिय राजा होते थे, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि मंत्रिमंडल का अनुपात उनके यहाँ क्षत्रियों को लेकर ही बैठता था ना। 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय। वैश्यों को सुनकर आश्चर्य होगा, 10 पीढ़ी के लिए धन कमाने के लिए नहीं, 21 मंत्रिमंडल में वैश्य होना चाहिए ताकि देश में कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य आदि के प्रकल्प, आर्थिक प्रकल्प सदा संतुलित रहें, आर्थिक विपन्नता विषमता का कोई ग्रास न बने, आर्थिक अनावश्यक विषमता नहीं होनी चाहिए, विपन्नता तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और 3 शूद्र मंत्रिमंडल में होना चाहिए, क्योंकि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और सेवा के प्रकल्प शूद्रों पर निर्भर हैं। 1 सांस्कृतिक मंत्री होना चाहिए सूत जाति का। तो 4 नीचे, 4 ऊपर, बीच में 8 और 21, महाभारत के अनुसार मंत्रिमंडल का यह अनुपात। उसमें भी 7 मंत्री जिनके साथ राजा एकांत में मंत्रणा करे, उनके स्वरूप का दिग्दर्शन महाभारत आदि में किया गया। एक और मैं संकेत करता हूँ,
भीष्म जी ने कहा, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत, राज्य को, राष्ट्र को, व्यक्तिगत जीवन को बाजार का सौदा न बनावे। शासन तंत्र का यह दायित्व है, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत, राज्य को बाजार का सौदा न बनने दे। अब जो ईमानदार प्रधानमंत्री आते हैं, भारत को बाजार का सौदा बनाते हैं। यहाँ तो हर व्यक्ति बाजार का सौदा है। आज तो मेरे सामने कठिनाई है, कुछ भी कठिनाई नहीं है, है भी जो बचपन में घर द्वार छोड़ करके किसी कारण से या वैराग्य के वशीभूत होकर, ये तो हम नहीं कहेंगे, किसी कारण से बाबा हो गए, कुछ पढ़ लिख लिया, वो भी सोचते हैं अगर 50 करोड़ से नहीं खेले तो बाबा होना व्यर्थ गया। बड़ी विचित्र बात। अब बोलिए, एक बाबा भी आजकल सोचते 50 करोड़ से नहीं खेला तो बाबा होना व्यर्थ गया। अब देश कैसे बचेगा? रुपये से खेलने के लिए बेस है क्या? होता है या नहीं? अभी शंकराचार्य के पद को लेकर चर्चा है, बहुत गर्म, कहाँ पर? काशी में। वहाँ पर 200 व्यक्तियों की सूची आ गई, मुझे शंकराचार्य बनाओ, उसमें नेपाल की महिला भी कोई, मुझे शंकराचार्य बनाओ, शंकराचार्य बनाओ। शंकराचार्य का दायित्व निर्वाह करने के लिए ना, शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हो जाना का अर्थ है अरबों रुपये से खेलना, इस मान्यता से। समझ गए दास, देश कैसे चलेगा? गुरुगद्दी भी रुपये के लिए है और शासन तंत्र भी रुपये के लिए। मैं भारत की निंदा नहीं कर रहा हूँ, अपनी निंदा है, लेकिन वेदनापूर्वक कह रहा हूँ। एक IPS IAS पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया माता पिता खर्च करते हैं अपनी बेटी पर, अपने बेटे पर, है या नहीं? 1 करोड़ रुपये खर्च करके जो पढ़ेगा, माता पिता का खर्च करा करके, कम से कम 1 अरब से खेलने के लिए अपनी विद्या का, कला का, शिक्षा का उपयोग करेगा या नहीं? अर्थात न चाहता हुआ भी शोषक बनेगा या नहीं? और ये देखिए, पहले तो ये अभी मध्य प्रदेश में था ना छत्तीसगढ़, ये तो वाजपेयी जी की कृपा है, बिहार से पृथक किया उन्होंने किसको, एक झारखंड को, उत्तर प्रदेश से पृथक किया उत्तरांचल को, मध्य प्रदेश से पृथक किया उन्होंने छत्तीसगढ़ को। पहले छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में था, उज्जैनी, उज्जैन का नाम सुनते हैं, वहाँ भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों पढ़ते थे, नहीं घर से कितनी फीस देनी पड़ती थी, 32 विद्या 64 कला का ज्ञान लीलापूर्वक भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ विद्यापीठ से, सांदीपन आचार्य थे, बलराम जी को प्राप्त हुआ, और सुदामा जो गरीब घर के थे उनको भी, यह शिक्षा पद्धति थी। एक सुदामा भी वहीं पढ़ते थे, एक श्री कृष्ण भी, आज हो सकता है क्या? इसका मतलब क्या है? हर व्यक्ति शोषक बनाया जाता है। बुरा न मानो, होली है, 1 करोड़ रुपया पार्टी को डोनेशन देकर, 2 करोड़ चुनाव में खर्च करके, अगर कोई जीत भी गया, हार गया तो आत्महत्या करेगा, छाती पीटेगा, और जीत गया तो 2 अरब से खेलने का प्रयास करेगा या नहीं? तो राष्ट्र का शोषक हर व्यक्ति बनाया जाता है, कौन सी स्वतंत्रता है? सैद्धांतिक धरातल पर भारत स्वतंत्र देश नहीं है। पूरा विश्व जानता है कि विश्व को वैदिक महर्षियों ने सारे ज्ञान विज्ञान दिया, लेकिन आज विचित्र बात है कि भारत में अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति के उपयोग और विनियोग की क्षमता नहीं है। बिहार को ले लीजिए, नीतीश जी वो पहले जाके चले गए थे दिल्ली में, राजनाथ सिंह जी बहुत छटपटा रहे थे कब भगें, तो हमने कहा जाइए आप, हमारे प्रवचन सुनने के लिए बड़ा धैर्य चाहिए ना। सुमित्रा महाजन पहली बार बैठी रहीं धैर्यपूर्वक, आगे बैठें या ना बैठें नहीं कह सकते। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया हमने? यह संकेत किया कि आप जरा सुन लीजिए, 1846 तक, जिसको आज अफगानिस्तान कहते हैं, पहले गांधार काबुल कहते थे, गांधारी का नाम तो सुना ही होगा ना, गांधार, उसके राजा धीराज कौन थे? रणजीत सिंह, पंजाब वाले, आगरा से लेकर अफगानिस्तान तक उनका शासन था, जम्मू कश्मीर तो भारत का अंश ही था, उसको अंग्रेजों ने पृथक किया भारत से,
फिर मस्त मौला अंग्रेजों ने वर्मा को भारत से पृथक किया, श्रीलंका को भारत से पृथक किया। 14 अगस्त 1947 को दो पाकिस्तान बना दिया, एक पाकिस्तान पाकिस्तान है, एक बांग्लादेश हो गया। वो बांग्लादेश भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारी सेना मारी गई। कौन सी बुद्धिमत्ता, इतने विभाजन किया अंग्रेजों ने 1846 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक, इतना विभाजन भारत का अंग्रेजों ने किया। और भारत के प्रधानमंत्री ने 9 बार देश का विभाजन किया। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन हमारी सीमा पड़ोसी को खिसकती ना हो। सबसे बड़ी चिंता की बात तो हमको 8-10 साल से है कि आपको मालूम हो या ना हो, हमने अपना व्यक्ति भेजा गंगोत्री या गोमुख, नाम तो सुना होगा, श्री गंगा जी के मर्त्य लोक में भारतवर्ष में अभिव्यक्ति का स्थल, उद्गम स्थल, ऐसे ऊपर की ओर 19 किलोमीटर दूरी पर चीन की सीमा लगती है। इस महायांत्रिक युग में कदाचित चीन ने ब्रह्मपुत्र के की शैली में गंगा जी की धारा अपनी ओर मोड़ दी सुरंग मार्ग से, तो मानसरोवर भी वहाँ जाके देखिए, दर्शन कीजिए, स्नान कीजिए, उसकी परिक्रमा कीजिए 80-85 किलोमीटर की, गंगा जी का भी दर्शन वहीं होगा। और सच्ची बात है कि स्वतंत्र भारत में तो उत्तराखंड में ही सुरंग परियोजना, नहर परियोजना, बांध परियोजना, विद्युत परियोजना के नाम पर मस्त मौले राजनीतिक दलों ने गंगा जी को लुप्त कर दिया। इसका अर्थ क्या है? यही स्वतंत्रता है क्या? जितने प्रशस्त मानबिंदु जिसके जिनके कारण हमारी प्रसिद्धि थी, हम गर्व का अनुभव करते थे, सब विलुप्त, विकृत, विलुप्त। प्रशस्त मानबिंदुओं को विकृत विलुप्त कर देना राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनेताओं का दुर्व्यसन हो गया है विकास के नाम पर। एक भारत की जनता भी विचित्र ऐसी बनाई गई है, विकास कह दो और गले काट लो, ध्यान नहीं गया। छलांग मारने में, चौकड़ी मारने में जो दक्ष होता है मृग हरिण, वीणा पर तान छेड़ दो, चौकड़ी मारना समाप्त। बहुत बुद्धिमान होता हाथी, किसी सेतु पर एकाएक अपने पूरे शरीर का भार नहीं सौंपता, आगे के कदम से पांव से वो गणित का इतना मर्मज्ञ होता हाथी, उसको पता हो जाता है कि ये जो सेतु है, पुल है, बांध है, उसके भार या वजन को सह सकता है या नहीं। लेकिन नकली हथनी कृत्रिम सेतु पर या सेतु को उस पार बना के रख दो, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, और धन सेतु के साथ नीचे गिर पड़ता, अंत में बांध लिया जाता है। तो हमने क्या संकेत किया सज्जनों? हमने यह संकेत किया, विचित्र तथ्य है, जिनके कारण यज्ञ का संपादन हो सकता है, उन्हीं से पृथ्वी की रक्षा हो सकती। पृथ्वी के धारक कौन तत्व हैं जो यज्ञ के संपादक हैं? फिर से सुनिए, पृथ्वी के धारक कौन तत्व हैं जो यज्ञ के संपादक हैं? बहुत से तत्व हैं, लेकिन 7 का नाम लिया पहले स्कंद पुराण ने। गोभीर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर् दानशीलैश्च सप्तभिः धार्यते महि। गोवंश, देखिए विकृति और विनाश की पराकाष्ठा, गोवंश से दुश्मनी, शत्रुता। आपको नहीं मालूम होगा, एक थे मोरारजी देसाई, जब भारत परतंत्र था तब कहा करते थे कलम की एक नोक से स्वतंत्र भारत में गोहत्या बंद कर दी जाएगी। जब वो प्रधानमंत्री हुए, हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी कर्पाती जी महाराज कुछ रुग्ण थे शरीर से, श्री नंद नंदन आनंद सरस्वती, जिनका पूर्व नाम था नंदलाल शास्त्री, भारतवर्ष के स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव में रामराज परिषद से सांसद थे। हमने जो रामराज परिषद को अभी उद्भाषित किया है, चुनाव की प्रक्रिया से सुदूर रहकर, लक्ष्य तो वही है लेकिन चुनाव की प्रक्रिया से सुदूर रहकर लक्ष्य की पूर्ति का मार्ग हम लोग प्रशस्त कर रहे हैं। और दो मान्य शंकराचार्य, हम उन दिनों शंकराचार्य के पद पर नहीं थे, यमुना तट पर धर्मसंघ से लेकर मोरारजी देसाई की कोठी तक हम लोग पैदल गए। 3 प्रतिनिधि मिले,
दो शंकराचार्य थे पूरी पीठ के, एक ज्योतिर्मठ के और एक नंद नंदन सरस्वती पूर्व सांसद रामराज परिषद की ओर से। मोरारजी देसाई ने क्या कहा मालूम है, आप महानुभाव यह भूल जाते हैं कि मैं कसाईयों का भी प्रधानमंत्री हूँ। अब जो प्रधानमंत्री कहे कि कसाईयों का भी प्रधानमंत्री हूँ, भी का अर्थ ही हो ही जाता है, मैंने कसाईयों का ही प्रधानमंत्री हूँ। अब देखिए, एक ओर कि स्वतंत्र भारत में कलम की एक नोक से गोहत्या बंद कर देंगे, दूसरी ओर मैं कसाईयों का भी प्रधानमंत्री हूँ, इसका अर्थ क्या हुआ? स्वर ही बदल गया। इसलिए गोवंश को विकृत किया जा रहा है, विलुप्त किया जा रहा है, ब्राह्मणों को विकृत किया जा रहा है, विलुप्त किया जा रहा है, अंतर जाति विवाह, अरे इससे ज्यादा पागलपन क्या होगा, इससे ज्यादा हिंदुओं के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ क्या होगा, वर्ण संकरता कर्म संकरता से विप्लव का वातावरण उत्पन्न करना, यह कोई संस्कृति है, विकृति की पराकाष्ठा है। आजकल हम हों या बोलते समय ध्यान रखना चाहिए, अंग्रेज तो नहीं भूल रहा है। अभी एक बहुत विचित्र बात, हमें तो मालूम ही नहीं थी, अभी एक महानुभाव आए थे मान्य, हमारे पूर्व परिचित हैं, वो छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा पद उनको प्राप्त है। वो कह रहे थे कि जब मैं छत्तीसगढ़ नहीं आया था, इसकी निंदा में तात्पर्य नहीं है, वो हंसा रहे थे, छत्तीसगढ़ नहीं आया था महाराज, बीमारी नामक कोई चीज़ नहीं थी, छत्तीसगढ़ आया तो बीमारी की कमी नहीं। हमने कहा 36 से ज़्यादा या कम, तो उन्होंने कहा 36 से ज़्यादा बीमारी, हॉस्पिटल और दवा, हॉस्पिटल और दवा। तो हमने कहा कारण क्या है, उन्होंने एक विचित्र बात कही, हमको मालूम ही नहीं, हम भी शंकराचार्य होने के बाद तो आ रहे हैं, लेकिन हम तो 84 से छत्तीसगढ़ में आ रहे, कवर्धा तक सीमित थे दो चार जगह तक, शंकराचार्य होने के बाद तो साल में 5-7 बार यात्रा करते ही होंगे। तो उन्होंने कहा यहाँ भूत प्रेत की पूजा बहुत होती है, हमने कहा जंगली लोग नहीं नहीं शहर में भी यहाँ भूत प्रेत की पूजा बहुत है महाराज, किसको भूत प्रेत लग जाए पता नहीं बड़ी विकट हुआ, पहली बार हमने सुना भूत प्रेत, यहाँ भूत प्रेत की पूजा बहुत होती है, हमको मालूम ही नहीं कि यहाँ हम लोग भगवान की चर्चा करते हैं, हम लोग भूत प्रेत का पूजन करते हैं, ये पता ही नहीं था, आज मालूम पड़ा रहस्योद्घाटन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए ब्राह्मणों को विलुप्त करने का षड्यंत्र, वेदों को विलुप्त करने का षड्यंत्र, सती साध्वी देवियों को विलुप्त करने का षड्यंत्र, सत्यवादियों को विलुप्त करने का षड्यंत्र, 20 साल पहले धन मान प्राण परिजन पर कोई आपत्ति आने पर व्यक्ति लाचारी में झूठ बोल देता था, अब छठ का अवसर आ जाए बिहार आदि में तो बुद्धिपूर्वक एक दिन सत्य बोलता है, बाकी स्वभाव से व्यक्ति झूठ ही बोलने लगता है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। मालूम है श्रीमद् भागवत में संस्कृत में श्लोक है, उसका अनुवाद तुलसीदास जी ने किया है, झूठ ही लेना। तुलसीदास जी का मनोभाव रहता है कोई ऐसी पंक्ति मानस में न हो जिसमें रा मो का योग न हो, रा या मो या राम, ये ऐसी पंक्ति उन्होंने जानबूझ के बनाई, न राम रा का प्रवेश है न मो का। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, क्या अर्थ हुआ? सत्यवादियों का विलोप हो रहा है, दानशीलों का विलोप हो रहा है, निर्लोभ व्यक्तियों का विलोप हो रहा है, तो भारत कैसे टिकेगा? इधर गंगा जी का विलोप हो रहा है, यमुना जी का विलोप हो रहा है, कृष्णा कावेरी क्षिप्रा महानदी का विलोप हो रहा है, बड़ी विचित्र बात है। इन राजनेताओं की दूरदर्शिता आपको पता है या नहीं? आपको छोड़कर सुनते रहिए, आपको छोड़कर संपुट है यह हम हंसा के ही कहते हैं भाई, और अपनत्व पूर्वक हम किसी को स्वप्न में भी अपना विरोधी नहीं मान, और पूरे विश्व में हमारे विरोध में कहीं से आवाज़ भी नहीं उठ रही है, भगवान की कृपा है या नहीं? एक अनुभव बता दें, किसी जाजी होंगे, हमको होता था कि जो हम वैदिक अभियान चलाएंगे तो सबसे पहले आधुनिक शिक्षा दीक्षा प्राप्त वैज्ञानिक आदि हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे, लेकिन प्रशांत आचार्य जी टुल्लू जी दार प्यार का नाम है, उड़ीसा के ब्राह्मण, उन्होंने उड़ीसा में जहाँ मिसाइलें बनती हैं चांदीपुर और 2-3 वैज्ञानिक संस्थानों में मेरा कार्यक्रम रखा, उसको बढ़ाया पी सी झा जी ने,
कहाँ कहाँ दो वर्ष से वो बढ़ा रहे, भावा आदि भी परमाणु जहाँ बनते हैं और अभी रक्षा विभाग में जहाँ ट्रंक बनते हैं सब, वहाँ जाकर वहाँ क्रिश्चियन भी होते हैं, वैज्ञानिक मुसलमान भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं। मूर्धन्य विद्यापीठों में जाकर हमने विज्ञान पर प्रवचन किया, मिसाइल बनाने की विधा पर प्रवचन किया, परमाणु पर प्रवचन किया वैदिक दृष्टि से। कहीं से कोई विरोध का स्वर तो क्या, सब लट्टू हो गए। इससे हमको बहुत सी प्रेरणा मिली, बल तो हमारे पास रहता ही है, कभी हम उदास होते नहीं। देखिए एक प्रकार से बल को और बल मिला। जिनको हम समझते हैं इनसे खतरा है, वो तो हम पे सबसे ज्यादा लट्टू, समझ गए। अमर अग्रवाल जी लट्टू हो या ना हो, वो जरूर लट्टू बुरा ना मानो वाली है। वो लट्टू क्यों है मालूम है? वो लट्टू इसलिए है कि ये परमाणु का विज्ञान, मिसाइल का विज्ञान, ये सब जो दुर्लभ ज्ञान है, गणित का विज्ञान, वो सोचते हैं कि 20 वर्ष हम परिश्रम करें, प्रयास करें तो हम प्राप्त कर सकते हैं। बाबा को कहाँ से प्राप्त हो गया? तो हम कहते हैं हमको कहीं से नहीं प्राप्त हुआ, वेदादि शास्त्रों से प्राप्त हुआ। समझ गए? इसका मतलब अगर हम सनातन सिद्धांत को दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर क्रियान्वित करें तो पूरा विश्व हम पर लट्टू, पूरा विश्व हमको अपनाने के लिए तैयार है। हाँ, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो हैं प्रांत और देश के, वो भले ही न अपनावें, पूरा विश्व हमको अपनाने के लिए तैयार। इसका मतलब वैचारिक धरातल पर, सैद्धांतिक धरातल पर आज भी भारत जगत गुरु है। लेकिन मैंने ये कहा, राजनेता बड़े मनोवैज्ञानिक होते हैं, जनतंत्र बोलते हैं ना, प्रजातंत्र बोलते हैं ना, लोकमत को पहले हाथ में ले लेते हैं। बहुत व्यावहारिक बात है, बहुत सूक्ष्म भी है, इस पर ध्यान दीजिए। राजनेताओं की बुद्धिमत्ता क्या है? जहाँ से विरोध की संभावना है उसको पहले ही अपना लेते हैं। इस पर आपका ध्यान नहीं जाता होगा, हमने विचार किया। अब लीजिए गंगा जी, महानदी की चर्चा करूँगा तो आप सोचेंगे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बात है। गंगा जी को ले लीजिए, गंगा जी को लेकर नहर परियोजना, बांध परियोजना, सुरंग परियोजना, विद्युत परियोजना जो क्रियान्वित की गई, उससे करोड़ों व्यक्ति प्रभावित हुए या नहीं? करोड़ों व्यक्तियों का जीवन उन परियोजनाओं पर निर्भर है या नहीं? अब अगर दो चार गंगा जी के भक्त गंगा को अविरल निर्मल करो बोलेंगे, 1 करोड़ व्यक्ति उनका गला दबा देंगे या नहीं? समझ गए? हमारे मान बिंदुओं को इस कूटनीति पूर्वक विदेशी षड्यंत्र के यंत्र बनकर राजनीतिक दलों के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है कि जनमत उस मान बिंदु की रक्षा के लिए हमारे पास हो ही नहीं सकता है। अभी भी आपको स्पष्ट नहीं हुआ होगा, आप सोचेंगे हिंदू होकर कोई गंगा का भक्त नहीं होगा, आप सोचेंगे गाय का भक्त भले ही ना हो, लेकिन गंगा का भक्त तो जरूर होगा। लेकिन बात ऐसी नहीं है, व्यावहारिक धरातल पर गंगा जी के नाम पर योजना उनको विकृत और विलुप्त करने की, लेकिन नाम है किसका? विकास। बताया ना, नाग विषधर सर्प बड़ा जहरीला होता है, लेकिन वहाँ जब बीन पर तांग छेड़ देता है बहेलिया तो बेचारा एकदम यूँ चौकड़ी मारने में कुशल हरिण, लेकिन बीन पर तांग छोड़ देता है तो हरिण ऐसे हो जाता है। विकास का नाम ले लीजिए, हिंदुओं का गला काट दीजिए, कुछ नहीं बोलेंगे, दो चार बोलेंगे, उनको पागल बना दीजिए, डंडे लगवा दीजिए, जेल में थूक दीजिए, तो राजनेताओं के आप जैसे नेताओं को छोड़कर बाएं हाथ का काम है। अब आप सुन लो, गंगा जी के नाम पर लोकमत किसके पास है? गंगा के भक्तों के पास या गंगा के की परियोजनाओं के उपभोक्ता के पास? समझ गए या नहीं? वो तो आप गंगा जी से कम आप टिहरी बांधी नष्ट कर दो, क्योंकि आज न सही कल वो अपने टूटा
या तोड़ दिया गया कहीं उपद्रवी तत्व के द्वारा, तो गंगा सागर तक करोड़ों मनुष्य प्राणी नष्ट हो जाएंगे। और वैज्ञानिकों का कहना है कि राजीव गांधी जी ने रूस के पैसे से, रुपये से, इंदिरा गांधी जी ने साहस नहीं किया, राजीव गांधी जी ने वो टेरी बांध बनवाया। 2% लाभ है तो 98% हानि हानि है। कम से कम उसी योजना को, अभी हमने सुब्रमण्य स्वामी जी से कहा, चेन्नई में मेरे पास आए थे, नष्ट कर दिया जाए तो 40% गंगा की रक्षा तो हो जाएगी। अब रेलता निरलता निर्मलता, गंगा गंगा करते रहिए, दिन जिस क्षेत्र को लाभ हो रहा है गंगा जी की इन सब योजनाओं के द्वारा, उस क्षेत्र की जनता आपके पास नहीं होगी। जगाधरी है हरियाणा में, यमुनानगर, यूँ दोहर ये ऐसे, एक और इधर नहर, एक और उधर, यमुना जी के नाम पर 5% जल होगा, बाकी तो सब दिल्ली का, वृंदावन का, मथुरा का, आगरा का, इटावा का दूषित जल ही है यमुना जी में। गंगा यमुना जी को तो जगाधरी में ही, यमुना नगर में ही, हरियाणा में नष्ट कर दिया गया। अब यमुना जी के जल के जितने उपभोक्ता बन गए, समझ गए, नहर परियोजना आदि के माध्यम से, वो कभी सोचेंगे, सुन सकेंगे कि यमुना जी सुरक्षित रहें, समझ गए ना। ऐसे गाय को लेकर काटरू जैसे व्यक्ति जब बोल रहे हैं कि गोहत्या होनी चाहिए, ममता बनर्जी ने 3 बार पार्लियामेंट में कहा था, उसके सांसद ने 2 साल पहले कहा था, गरीबों का भोजन है गो, इसका मतलब अरे वो जो रक्षा मंत्री रहे पहले भी, गोवा के मुख्यमंत्री थे, आज भी हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, क्रिश्चियनों चिंता मत कीजिए, पड़ोसी प्रांतों से गोमांस मंगा करके आपके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। निर्लज्जता की पराकाष्ठा, भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री और गोहत्या का स्पष्ट समर्थन करने वाला मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री भारत का क्या रहा होगा वो तो। हमने ये कहा ना, छलवल डंके की चोट से जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, हमारे मान बिंदुओं को विकृत करना और विलुप्त कर देना हर राजनीतिक दलों का व्यसन बन गया है। उस दृष्टि में हमारा आपका क्या कर्तव्य है? आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हम 4 शंकराचार्य थे, व्यक्ति 3, गद्दी की दृष्टि से 4, श्रृंगेरी में श्री राम जन्मभूमि को लेकर एकांत पे हम लोग बैठे थे, हमारे सचिव जी और एक एक शंकराचार्य जी के एक एक दो दो सचिव जी। हमसे कहा मान्य शंकराचार्यों ने, कांची वाले, 4 पीठ में कांची का नाम नहीं है, उनको मैंने बुला लिया था। हमसे मान्य शंकराचार्यों ने कहा, राम मंदिर बहुत सुगमता पूर्वक बन जाएगा, पुरी के शंकराचार्य जी, हमने कहा नहीं बनेगा, कोई आँख तरेर का नहीं, बड़े मुस्कुराते हुए कि हम नहीं बनेगा जल्दी, क्यों नहीं बनेगा, राम भक्तों की कमी है, हमने कहा अकाल है, राम भक्त कहाँ दिखते, आपको राम भक्त ही नहीं दिखाई पड़े भारत में, हमने ना, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, समझ गए। फिर उन्होंने कहा अयोध्या जाइए, रामनवमी के दिन ही लाखों व्यक्ति रामलला का दर्शन करने आते हैं, हमने कहा राम भक्त होते ही नहीं, उनको और आश्चर्य हुआ, क्या कह रहे, हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है, आप देख लीजिएगा राम मंदिर जल्दी नहीं बनेगा, राम भक्त नहीं है भारत में, गिने चुने हैं, उनकी बात सुनी नहीं जाएगी। कैसे, हमने कहा सुनिए, जो राम भक्त जात दिखाई पड़ते हैं राम जन्मभूमि पर, या राम राम बाहर लेते हैं, समझ गए, चुनाव के अवसर पर किसके भक्त होते हैं ये बोलिए, उस समय राम जी के भक्त होते हैं, उस समय हाईकमान के भक्त होते हैं, पार्टी के भक्त होते हैं, रामलला को उस समय मानते हैं, नास्तिक श्रोमण हो जाते हैं या नहीं। वही मैंने कहा, उस समय सपा बसपा 2 पार्टी थी, भाजपा, बसपा का उतना नहीं था, सपा भाजपा कांग्रेस, अब ले लीजिए बसपा, हमने कहा ये चारों दल के जो राम भक्त हैं, चुनाव के अवसर पर राम जी के कोई नहीं रहेंगे, ये सब अपने अपने हाईकमान के हो जाएंगे, किसी के राम जी बन जाएंगे मुलायम सिंह, किसी के सीता जी के स्थान पर बन जाएंगे का मायावती, किसी के बन जाएंगे कलराज मिश्र जी या और कोई, समझ गए हैं, आजकल जो राजस्थान में राज्यपाल हैं वो बन जाएंगे, राम जी के कोई नहीं रह जाएंगे, बात हमारी सत्य हुई। इसका अर्थ क्या है, ये जितनी परियोजनाएं हैं, गाय को लेकर भी हिंदू एक मत नहीं, क्यों नहीं, जितनी परियोजनाएं बनाई गई हैं वो विकास के नाम पर इतनी विचित्र हैं कि जनमत को राजनेता अपने हाथ में ले लेते हैं, हमारे प्रशस्त मान बिंदु को विकास के नाम पर विकृत विलुप्त किए जा रहे हैं।
आरंभ में सावधानी बरतनी चाहिए थी, समझ गए, कि विकास के नाम पर किसी भी प्रशस्त मान बिंदु को विकृत न किया जाए। आरंभ में सावधानी नहीं बरती गई, अंग्रेजों की कूटनीति की नकल की गई, कूटनीति का अनुगमन किया गया। अब एक और विचित्र बात है, मठ मंदिर ले लीजिए, मेरे सामने तो विश्व की विशेषकर भारत की सारी समस्याएं आती हैं। मठ मंदिर ले लीजिए सनातनियों के, उन पर जो मठ मंदिर आमदनी के धन के केंद्र है ना, वे मठ मंदिर सरकार के हाथ में है या नहीं? और सरकार किसके हाथ में है? पोप जी के हाथ में, सीधी बात, अंग्रेजों के हाथ में है। सरकार किसके हाथ में है? जो वहाँ से नीति निर्धारण है उसका अनुपालन यहाँ होता है तो कुछ है ही नहीं। भ्रम मत पालिए कि कोई राजनीतिक दल भारत में शासन कर रहा है, वही तत्व क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम तंत्र भारत में शासन कर रहा है। ये तो कठपुतली यंत्र के समान है, इनको मालूम भी नहीं कि हम यंत्र हैं। ऐसी कूटनीति का प्रयोग है कि हम किसी के यंत्र बन जाएं और हमको मालूम भी नहीं कि हम यंत्र बन गए। बड़ी विचित्र बात। तो हमने क्या संकेत किया सज्जनों, विकास के नाम पर हमारे जितने प्रशस्त मान बिंदु, अब हम 15 मिनट की लगभग सीमा में पुरुषार्थ चतुष्टय, नाम तो सुना होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कम्युनिस्टों ने कहा कि ईश्वर को मानोगे मोक्ष को मानोगे, ईश्वर सापेक्ष मोक्ष को मानोगे, आत्मा या ब्रह्म सापेक्ष मोक्ष को मानोगे और धर्म को मानोगे तो ये विकास के मार्ग में अवरोधक बन जाएंगे। स्पीड ब्रेकर होते हैं ना रोड में, विकास के मार्ग में दो अवरोधक हैं कम्युनिस्टों का सिद्धांत है। एक का नाम है धर्म, दूसरे का नाम है ईश्वर। दो पुरुषार्थ धर्म और मोक्ष से दूर रहोगे तो विकास कर पाओगे। ठीक है जी, किसके ऊपर लट्टू होकर? अर्थ और काम के ऊपर। चार पुरुषार्थ में दो पुरुषार्थों से तो दुश्मनी कम्युनिस्टों की, भौतिकवादियों की। दो पुरुषार्थ है उसका, एक का नाम है अर्थ, एक का नाम है काम। अब प्रश्न उठता है, ठीक है, अर्थ के दीवानों ये तो बताओ, अर्थ नामक पुरुषार्थ भारत में है क्या? आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अर्थ नामक पुरुषार्थ है। श्री सूक्तम, महाभारत, ऋक यजुः साम अथर्व, वेद, इनमें जो अर्थ की परिभाषा दी गई है उसके आधार पर विचार करें तो दरिद्रता के जितने स्रोत हैं, विश्व के जितने मान्य अर्थशास्त्री हैं आधुनिक, सब उनको ही समृद्धि का स्रोत मान रहे। फिर से सुनिए, दरिद्रता के जितने स्रोत त्रिकालज्ञ महर्षियों ने अंकित किया, पूरे विश्व के अर्थशास्त्र पर नोबल पुरस्कार प्राप्त चाहे भारत के चाहे अमेरिका के महानुभाव हों, या बिना नोबल पुरस्कार प्राप्त भी मनमोहन सिंह जैसे ख्याति प्राप्त मनीषी विचारक हों, दरिद्रता के जितने स्रोत ऋषियों ने बताया उन्हीं को समृद्धि का स्रोत मान रहे। उदाहरण केवल एक देता हूँ, अर्थशास्त्र पर मेरा बहुत चिंतन है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 23वें अध्याय को लीजिए, 15 अनर्थों के चपेट से कदाचित कोई अर्थ को मुक्त कर सके तब अर्थ पुरुषार्थ होता है, नहीं तो अनर्थ होता है। 15 अनर्थों में 2-3 का नाम लेता हूँ, मध्य नशीली वस्तु मदिरा, ठीक है, द्यूत लाटरी सट्टा जुआ, स्प्रिहा होर आदि, हिंसा। अब थोड़ा विचारिए, कोई प्रांत है भारत में जो इनको अर्थ का स्रोत न मानता हो? आप लोग भागवत का तो हिंदी अनुवाद भी है ना प्रकाशित, अंग्रेजी अनुवाद भी है, तो आप जा देख लीजिएगा श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद और 23वां अध्याय। हमने विकास विमर्श में इन सब वचनों को रखा है, हमारे ग्रंथ है, लेकिन भागवत में देख लीजिएगा। ठीक है, मध्य के बिना, नशीली वस्तु के बिना, अभी बड़ी विचित्र बात, हमारे एक विशेषज्ञ हैं मध्य के नहीं परिस्थिति के, यहीं भाटापारा के निखिलानंद जी या निकेश जी या ऋषिकेश जी, 3-3 नाम है, कोई भी नाम ले लीजिए, ऋषिकेश जी ले लें। ये हमने कहा कि ये पुलिस वाले रात में हॉर्न बजाते रहते हैं, दिल्ली में जहाँ मैं ठहरा था श्री जगन्नाथ मंदिर में, उन्होंने कहा आपको मालूम है क्या कांड है? हमने कहा क्या कांड है? पास में
लाइसेंस प्राप्त मदिरा का घर है, मदिरा की दुकान, लाइसेंस प्राप्त, तो वहाँ तो पुलिस घुस नहीं सकती क्योंकि लाइसेंस प्राप्त है। बाहर वो जो रात में पीकर, ये एक विचित्र बात, और एक है ना पवन, पवन ने भी बताया, बिहारी भाषा में बताया, उसमें युवतियां जो पर शराब पी के आती हैं, वो शराब की बोतल लेकर इतना उपद्रव करती हैं कि पुरुष भी भगते हैं, लज्जावान पुरुष भी उनसे दूर रहते हैं, और युवक उत्पात करते हैं। अब उधर सरकार, दिल्ली सरकार, केजरीवाल कभी मिलेंगे तो मैं कहूँगा, मुख्यमंत्री होने के बाद नहीं आए, अपने आप आते हैं जब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी आए थे ना प्रधानमंत्री बनने के बाद, अब नहीं दिखाई पड़ते। केजरीवाल मिलेंगे तो मैं कहूँगा, अपने आप मिलेंगे तो हम बुलाते नहीं, जहाँ तक बनता है, जो बहुत अपना तो रखते हैं, अश्विनी चतुर्वेदी जी या हमारे प्रभात झा जी या हमारे सुब्रह्मण्यम जी, ऐसे यहाँ, या तो शुक्ल जी थे यहाँ कांग्रेस के, बहुत अपना तो रखते थे। हमने कहा वहाँ पर क्या होता है कि पुलिस वो हॉर्न पे हॉर्न देती जाती है, लाठी घुमाती है, लेकिन विचित्र कांड, अब बोलिए दिल्ली भारत की राजधानी में, और अभी तो बड़ा अनुभव हुआ, निजामुद्दीन का प्लेटफॉर्म देख लीजिए, भारत की राजधानी के स्टेशन प्लेटफॉर्म देख लीजिए, नरक है, टूटी फूटी स्थिति और गंदगी की पराकाष्ठा, कौन कहेगा कि भारत भारत है जब भारत की राजधानी में सरकार, सीधे केंद्रीय सरकार की बात, अभी 1,000 किलोमीटर तक आप ट्रेन में यात्रा कीजिए, मैं तो करता हूँ, एक सफाई कर्मी नहीं दिखाई पड़ेगा, माने सारी योजनाएं कागज पर, इससे राष्ट्र चलता है क्या? कागज पर योजना बनाने से राष्ट्र चलता है क्या? तो सार क्या निकला सज्जनों? सार ये निकला कि दरिद्रता के जितने स्रोत हैं, 50 रुपये केजी भारत का कच्चा माल विदेश में भेजो, 5 लाख रुपये के केजी खरीदो, देश अपने आप जाएगा या नहीं, इसका मतलब, और अपनी मेधा शक्ति को बेच रहे हो या नहीं, विदेशी कंपनी खा जाए या चाहे विदेश में जाकर विदेशी कंपनी खा जाए, हमारे मतलब की तो मेधा शक्ति हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब क्या है? आर्थिक दृष्टि से हम समृद्ध नहीं हो रहे। हम 4-5 वर्षों से कह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी या भविष्यवाणी सफल ना हो, भविष्यवाणी मेरी सफल हुए बिना रहती नहीं, लेकिन बीच में भगवान आप ऐसा उपक्रम कर दें कि वह परिस्थिति नहीं आवे। मुझे दिखता है कि पूरा विश्व दाने दाने के लिए मोहताज होगा, उसी प्रकार, उसी समान जिस प्रकार बेन के शासनकाल में सज्जनों को बेन के राज्य में रोटी भरपेट भोजन सुलभ नहीं था, सज्जन दाने दाने के लिए तरस रहे थे, पृथ्वी ने सोचा कोई माई का लाल स्वस्थ क्रांति करने वाला दृष्टिगोचर नहीं होता है, मैं क्रांति करूं। दर आपका नहीं ध्यान गया, एक लाडले प्यारे, कोई प्रांतीय नहीं, जिला स्तर के रहे होंगे आरएसएस के सज्जन, 22 साल पहले मेरे पास आ गए, नामा मैं नहीं जानता, सुदर्शन जी भी आते थे, मोहन भागवत जी आते हैं, बहुत अपनत्व रखते हैं, मानते नहीं, अपनत्व मानते, मानते नहीं मानी, हमारी बात से परहेज है, सुनते बड़े प्रेम से। एक व्यक्ति ने कहा आरएसएस के प्रचारक बन जाइए, हमने कहा भले आदमी, हजारों वर्ष की गद्दी, 2,500 वर्ष की हमारी गद्दी है, आरएसएस को बन सके तो गद्दी का अनुगमन करे या बैठकर विचार करें, अब हम आरएसएस के प्रचारक बन जाएं तो शंकराचार्य रहेंगे, तो उसने ताना कस दिया, राष्ट्रीय स्तर का होता तो मैं उसे कुछ समझाता, कौन साथ देता फिर मैं देख लेता हूँ। हाँ एक बार रामनाथ सुमन जी ने भी, हाँ वो तो राष्ट्रीय स्तर के विषय में उन्होंने भी ताना कस दिया था। तो हमने कहा फिर क्या सोचते हो, हिंदू कौन होता है आप हिंदू हिंदू नहीं करेंगे, हिंदू हिंदुओं की संस्था में शामिल नहीं होंगे, कौन पूछेगा। हमने कहा सुनो हिंदू कौन होता है, पृथ्वी का नाम हिंदू है, आप लोग भी ध्यान पूर्वक सुनो, जल का नाम हिंदू, तेज का नाम हिंदू है, वायु का नाम हिंदू है, आकाश का नाम हिंदू है, ब्रह्मा जी का नाम हिंदू है, गोत्र प्रवर्तक ऋषियों का नाम हिंदू है, नारायण जी का नाम हिंदू है, हिंदुओं से कहाँ बचोगे। फिर मैंने सोचा और मैंने कहा सुनो तुम्हें हिंदुओं की शक्ति का आपका साथ कौन देगा, आपके पास संघ बल नहीं है,
हमने कहा संघ बल का तुम्हें पता नहीं है, पृथ्वी संघ है, जल संघ है, तेज संघ है, वायु संघ है, आकाश संघ है, ये सब संघ हमारे पास। उज्जैन में हमारे पास आ गए भटक के सही दारले प्यारे एक मान्य आचार्य जी के हैं, दिग्विजय सिंह जी, 4 वर्ष पहले शायद आए होंगे। हमने उनको हंसाते हुए कहा गूढ़ भाषा में, दिग्विजय सिंह ताल ठोक कर मेरे पीछे पड़ जाओ। दिग्विजय सिंह का अर्थ था कांग्रेस, वो समझ रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, मेरे सामने बहुत विनम्र होकर ही आते हैं। तो हम दुर्बल होंगे या आप दुर्बल हो गए, वो चुपचाप बैठे रहे, मुस्कुराते रहे। हमने कहा आप समझते हो गए कि शंकराचार्य बड़े दुर्बल हैं, इनके साथ कोई नहीं, मैं समझता हूँ आप बड़े दुर्बल हो, हमसे भिड़ोगे। हमने दार्शनिक भाषा में व्यंग्यपूर्वक कहा, अभिमानपूर्वक नहीं, अभिमान आई नहीं, अभिमानपूर्वक में कोई बात ही नहीं करता। आपके पूर्वज मेरे साथ होंगे या आपके साथ, वो तो सनातनी थे। देवता मेरे साथ होंगे या आपके साथ, पितर आपके साथ होंगे या मेरे साथ, गोत्र प्रवर्तक ऋषि मेरे साथ होंगे या आपके साथ, मेरे अर्थ सनातन मार्ग पर चलने वाले जो हैं उनके साथ होंगे या आपके साथ, ब्रह्मा जी मेरे साथ होंगे या आपके साथ, विष्णु जी मेरे साथ होंगे या आपके साथ, बीच में ले लो देवराज इंद्र किसके साथ होंगे। इसलिए यह भ्रम छोड़ दो कि कोई शंकराचार्य के पास फौज सेना नहीं है तो दुर्बल है, हम बहुत प्रबल हैं, फिर बहुत प्रबल हैं हम लोग। अगर हमारा कोई स्वार्थ हो, अहंकार हो, तो भगवान से प्रार्थना है कभी पूरा ना हो, लेकिन हमारी कोई योजना अपनी होती नहीं, हम कभी असफल होते ही नहीं, असफलता नाम की चीज़ हमारे यहाँ है ही नहीं। तो हमने क्या बताया सज्जनों, हमने ये बताया कि पृथ्वी ने सोचा जब तक कोई स्वास्थ्य क्रांति का उद्भाषक नेता नहीं उत्पन्न होता। देखिए क्रांति कहाँ से आती है, जमन जी भागवत वाले सुनिए, पृथ्वी ने कहा मैं क्रांति करूंगी, सज्जन तो दाने दाने मोहताज हो ही रहे हैं, दुर्जनों को मैं दाने दाने मोहताज करूंगी। सज्जन को तो आप चले जाइए आसाम में, चले जाइए नागालैंड में, मैं अगर स्थिति बताऊँ तो आप तो बहुत आश्चर्य होगा, बिजली के प्रकाश में पतंगे आकर आते हैं, उनको मुंह में लेकर के भूख बुझाने के लिए समर्थ है, उनके आंसू पोछने वाला कोई है, वृक्षों के छाल खा करके एक व्यक्ति 10 पीढ़ी की चिंता करता है, 10 व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने का कोई अभियान है। तो मैंने क्या कहा, मैंने यह कहा कि पृथ्वी ने कहा न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी, मैं अन्न ही नहीं दूंगी, अन्न उत्पन्न करना तो मेरा काम है, सज्जन तो दाने दाने के लिए मोहताज हो ही रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, दुर्जन भी मरेंगे। पृथ्वी ने सत्याग्रह किया, क्या किया, अन्न देना बंद कर दिया। आगे फिर भृगु जी खड़े हो गए, फिर पृथ्वी जी आए, सब बात। इसका मतलब क्या है सज्जनों, ये जो लोग ताना कसते हैं आपके साथ कौन है, अरे हमारे साथ कौन नहीं है, पृथ्वी है, पानी है, प्रकाश है, पवन है, यही छोड़ दो, आपका हृदय है ये नहीं। अग्रवाल जी का हृदय मेरे साथ होगा या किसी और के साथ होगा, मेरे साथ होगा, क्यों होगा मालूम है, नहीं होगा तो फिर बड़ा विचित्र है, क्यों होगा सुन लीजिए, इसलिए कि हमारे सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुम्फित किया, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम, जीव का बुद्धि का स्वभाव है सत्य का पक्ष लेना, समझ गए ना, क्या जीव का, हम आप जीव हैं और बुद्धि हमारी, बुद्धि का स्वभाव है सत्य का पक्ष लेना, अगर कोई सत्य का पक्ष नहीं लेता है तो उसकी बुद्धि उसको खा जाती है। दुचित्त कहूँ विश्राम न रहें लहें अनेक चित्त विभ्रांता, हर जीव पापी से पापी, पुण्य आतंकवादी से आतंकवादी, वो जीव स्वयं सत्य का ही पक्षधर होता है, उसकी बुद्धि स्वयं सत्य को मानती है। उदाहरण देता हूँ, बहुत बढ़िया है, एक कुत्ता आप भोजन करने चले, 5 रोटी आपके पास है, उसने देख लिया, अपनी मर्यादा में खड़े रहकर वो आँख से आपकी ओर देखता है, पूंछ हिलाता है, आँव आँव करता है, आप रोटी का इतना टुकड़ा उसको दे देते हैं, वो भी जानता है इतने टुकड़े से मेरी भूख बुझेगी नहीं, आप भी जानते हैं कि इतनी रोटी से पेट भरेगा नहीं,
लेकिन कृतज्ञता ज्ञापन करता हुआ, पूंछ हिलाता हुआ, किलकारी मारता हुआ वो आपके सामने होता है। वही कुत्ता पांच घी चुपड़ी रोटी को आपके चौके से लेकर चंपत हो जाए, आपकी आंखों के सामने नहीं खाएगा। उसका मन कहता कि चोरी की हुई रोटी है। मैंने विवेक का दमन करके क्या किया है, ये रोटी का अपहरण किया है। उसकी बुद्धि भी सत्य का पक्ष लेती है, तो हमने क्या संकेत किया। लोग कहते हैं हिंदू दुर्बल, हम कहते हैं सबसे प्रबल हैं। एक घटना सुनाकर मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। आज हमने व्यावहारिक दृष्टि से अध्यात्म को ढाला, सीधे अध्यात्म का वर्णन संकेत में किया। श्री गंगा जी की रक्षा के लिए करने वाले तो भगवान हैं। हम उत्तराखंड पहुँचे देहरादून, बंद कमरे में, हाँ जी बंद कमरे में एक गोष्ठी हुई। सुनो आप, दक्षिण भारत के जो ठेकेदार नहर परियोजना, बांध परियोजना, सुरंग परियोजना, विद्युत परियोजना के, मेरा नाम सुन के दक्षिण भारत भाग गए। लेकिन मेरे बुलाने पर उनके जीएम आदि, व्यवस्थापक आदि दो चार आ गए, और एक रुड़की विश्वविद्यालय का इंजीनियर भी आ गया। उसने आध घंटे में बांध परियोजना, नहर परियोजना, सुरंग परियोजना, विद्युत परियोजना का समर्थन किया। मैंने जब प्रवचन किया, विचार जीडी अग्रवाल भी थे, बंद कमरे में 15-20 व्यक्ति कुल थे, तो मेरी बात से सहमत होकर उन्होंने कहा कि मुझे ये सब पता नहीं था, मैं वापस लेता हूँ, आपकी बात सत्य है। एक सरदार जी थे लगभग 35-40 साल के, हमने कहा तुसी दसो पाई जी प्रेम नाल, प्रेम पूर्वक भैया तू बताओ, हेमकुंड है ना उनका, हेमकुंड पर ये सारी योजनाएं क्रियान्वित कर दी जाएं। महाराज मैं समझ गया। हमने कहा हेमकुंड का महत्व जानते हो, गंगा जी का महत्व नहीं जानते। अब एक शर्मा जी ठहरे, मालूम है ब्राह्मण मरने के बाद भी अगर उपद्रवी हो तो ब्रह्म राक्षस बनता, और राक्षसों से पाला पड़ जाए तो सुगमतापूर्वक छुट्टी पा सकते हो। ब्राह्मण मरने के बाद कहीं ब्रह्म राक्षस पर जाए, बन जाए, तो वो तो निहाल नहीं बिहाल कर देगा। तो शर्मा जी ठहरे, सब कुछ ठीक है, आपकी बात सुनने के पहले हम समझते थे विकास के लिए ये सब योजनाएं ठीक हैं, अब हम मानते हैं कि सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। भाई पेट तो पालना है महाराज जी, हम तो नौकरी करते हैं, पेट तो पालना है। लेकिन हिंदुओं का कौन है आंसू पोछने वाला, हम लोग सफल होंगे, गंगा खत्म होंगी। सीधे कह दिया ब्रह्मा जी, तो ब्राह्मण, हमने संकेत किया, मन में तो सोचा पूरा मुझे जरा देहरादून से निकलने दो, फिर देखो कि हिंदू कौन होता है, हिंदुओं के कौन होते हैं, जिसके साथ तुम अन्याय कर रहे हो वो गंगा अपना क्या स्वरूप दिखाएंगे। ठीक 15 दिन बाद अश्विनी चौबे जी, आजकल स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, उस समय बिहार के मंत्री थे स्वास्थ्य विभाग, उनके रिश्तेदार कितने खत्म हो गए, 7 दिनों तक सब पर कैसे जीवन व्यतीत किया, उनकी बेटी, उनकी पत्नी, उनके छोटे पोते, वो सुनते सुनते रोने लग जाते वहाँ का प्रलय कर दृश्य। ठीक 15वें दिन गंगा जी ने अपना रास्ता निकाल लिया ना, 3 मंजिला होटल, गंगा जी में पिलर, खंभे डाल डाल के, साहब की क्या दशा हो गई, कागज़ के नौका के समान, तो आप समझ गए ना। नेपाल में गया, वहाँ के राजा के व्यक्ति 2.5 घंटे मेरे पास एकांत में मिले, जो राजा परिवार सहित मारे गए अभी कुछ समय पहले, जो राष्ट्रपति थे उनके बड़े भाई। हमने कहलवाया कि हिंदू आप सुरक्षित नहीं हो, नेपाल सुरक्षित नहीं है, नेपाल को सही दिशा देने के लिए काम करो, आर्थिक दृष्टि से उन्नत करो। राजा ने अनसुनी कर दी। 9 दिन था मैं नेपाल में, फिर अपनी ओर से गया दूसरी बार, 5 दिन था, फिर घूम रहा था, मेरे मुंह से निकला कि राजा अनसुनी कर रहा है, ये तो मारा जाएगा। 5 दिन में नेपाल में था, 6ठे दिन भारत में है, 7वें दिन कुलकुटुम सहित मारे गए राजा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, हमने बताया जो समझते हैं कि हिंदू बड़े दुर्बल हैं, वो हिंदुओं को समझते नहीं। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक, काल, ये सब प्रकृति के कार्य और परिकर हैं, और प्रकृति भगवान की शक्ति है। मयाध्यक्षेण प्रकृति मम यो निर्महद ब्रह्म। इसलिए सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं को कभी भी दुर्बल नहीं मानना चाहिए। अब
जितनी परियोजनाएं महानदी को लेकर गंगा आदि को लेकर हैं उस पर एक चुटकुला सुनाता हूँ। महाभारत में विदुर जी ने बताया, एक चिड़िया थी, चिड़िया समझ गए पक्षी, चिड़िया जो मुँह से लार टपकते थे वो सब सोना बन जाता था। एक दिन में 2 तोले 3 तोले सोना वो दे देती थी, चिड़िए के मुँह से जो लार टपके वो सोना बन जाए। अब एक महामूर्ख था, उसने सोचा जब इसके लार में एक क्षमता, पेट में न जाने कितने सोना होगा। माता के पयोधर से वात्सल्य रस की प्रगल्भता की दशा में दूध निकलता है बाल गोपाल के पोषण के लिए। अब कोई सोचे कि इसके पेट में पता नहीं कितना दूध पड़ा होगा। उस पक्षी को मार दिया, पेट चीरा, वहाँ तो रक्त निकला, मांस निकला, एक तोला क्या, एक मासा भी क्या, एक ग्राम भी सोना नहीं निकला, समझ गए ना। गंगा को लेकर, गाय को लेकर जितनी परियोजनाएं हैं ये बचेंगी तब तो तुम्हारी परियोजनाएं सार्थक होंगी ना। आगे इन्हीं को खत्म कर दोगे तुम्हारी परियोजना कहाँ जाएगी, इसलिए विचार करना चाहिए। तो हमने अर्थ पर कहा, अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी भारत नीचे गिर रहा है, आधुनिक व्यक्तियों का आकलन ठीक नहीं। विश्व बैंक हमारी बात से सहमत है, आपको आश्चर्य होगा, विश्व बैंक ने 12-14 साल पहले, 99 से पहले ही वर्ल्ड फेस्ट डेवलपमेंट डायलॉग नामक एक संगठन तैयार किया। विश्व बैंक 99 से पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि विश्व के जितने राजनीतिक तंत्र हैं संभावित तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में समर्थ नहीं है। इसलिए उसने पूरे विश्व के धार्मिक जगत को 9 भागों में विभक्त किया और पूरे भारत से परामर्श लेने या मार्गदर्शन लेने मेरे पास विश्व बैंक के अध्यक्ष ने एक अंग्रेज महिला जो बहुत विदुषी थी और एक चर्च के चेयरमैन भी थी, वर्ल्ड फेस्ट डेवलपमेंट डायलॉग नामक संस्था के सदस्य भी थी, वो भेजी गई दिल्ली में 5 मई 1999 को। 2 घंटे तक दुभाषिया का काम करते थे सोमनाथ दीक्षित जी, नोएडा वाले हमारे स्वामी जी ने उसको आरंभ में जो हमने 5-7 मिनट उसके प्रश्न का उत्तर दिया, वो महिला फूट फूट कर रोने लगी। और उसने क्या कहा मालूम है, भारत सरकार को क्या हो गया है कि इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान का, इस प्रकार की मेधा शक्ति का उपयोग करके आज भी पूरे विश्व में आर्थिक दृष्टि से 1 नंबर पर ले आवे। इसकी दृष्टि में विश्व में अर्थशास्त्र का चिंतन, मेरा चिंतन व्यक्तिगत नहीं, वेदादि शास्त्र सम्मत अर्थ का स्वरूप क्या है, यह मूल प्रश्न था। आर्थिक विपन्नता विषमता के कारण संभावित तृतीय विश्व युद्ध को कैसे रोका जाए, यह प्रश्न था। उसने कहा कि अर्थशास्त्र पर इतना स्वस्थ चिंतन विश्व में कहीं नहीं, लेकिन भारत सरकार को होश भी है कि हम लोगों से लाभ ले। छोड़ दीजिए, मेरी प्रशंसा मत समझिए, मेरी प्रशंसा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, गुरुओं का अनुग्रह न होता तो मैं मिट्टी भी नहीं, पशु भी नहीं, वृक्ष भी नहीं। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 2 बार वैज्ञानिक आए गणितज्ञ, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के 2 बार वैज्ञानिक आए गणितज्ञ, उनकी टिप्पणी ये थी कि विश्व में 1% गणित है तो गोवर्धन मठपुरी में 100% गणित है, लेकिन भारत सरकार में क्षमता नहीं कि गणित के ज्ञान से भी लाभ उठावे। अपनी मेधा शक्ति से भी विद्वेष, भारत का उत्कर्ष कैसे होगा जी, आपको नहीं मालूम अंतरंग चीज ना। प्राचीन कृषि विज्ञान के जितने विशेषज्ञ हैं उनसे विदेषी तंत्र षड्यंत्र पूर्वक लाखों डॉलर देकर वो ज्ञान ले रहे हैं और अपना वो ज्ञान नहीं, अपना विकृत ज्ञान जिससे भारत की कृषि खेती नष्ट हो सकती है वो हमको दे रहे हैं, वो अपना दूषित ज्ञान दूषित भावना से हमको दे रहे हैं, बीज उनका, खाद उनका, समझ गए, ट्रैक्टर चलाई हुई, ट्रैक्टर आदि उनके चलाए हुए, हमारा कुछ भी नहीं, और हमारे जो प्रशस्त विज्ञान है कृषि का वो ले रहे हैं। तो आज के प्रवचन का निष्कर्ष निकला, चाहे कोई भी दल हो, 2 दल मुख्य हैं, भाजपा और कांग्रेस, पहले कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस, बाकी जितने दल भारत में हैं क्षेत्रीय हों या प्रांतीय स्तर के हों, घुमा फिरा कर उलट फिलट
इन्हीं का अनुगमन करते हैं आज भी। कोई कांग्रेस का अनुगमन करते गुप्त या प्रकट, कोई भाजपा का। दो दलों में कोई एक दल भी अपना अपेक्षित शोधन कर ले, भारत के अनुकूल अपने को ढाल ले, तो दूसरा दल भी अपने दल में शोधन करने के लिए उत्सुक होगा और बाध्य होगा। अगर भाजपा भी नहीं अपना शोधन कर सकती या कांग्रेस भी नहीं, तब प्रकृति जब शोधन करने लगेगी तो प्रकृति की मार बहुत विचित्र होती, समझ गए? प्रकृति कौन है? भगवान की दूती शक्ति। प्रकृति की मार बहुत विचित्र होती है। अब प्रकृति अधिक समय तक सहन नहीं करेगी कि भारत में पाश्चात्य विकृत विज्ञान क्रियान्वित हो, भारत अपने अस्तित्व आदर्श को नष्ट कर दे। इसलिए आज जो मैं बोल रहा हूँ इस समय, भाजपा के लिए कांग्रेस के लिए सुमधुर चेतावनी है। इस चेतावनी पर अगर गुप्तचर विभाग सावधान, भाजपा ने कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया, तो मैं अभी 3 महीने 4 महीने से बहुत जोरदार शब्दों में कहता हूँ, 5-7 वर्षों से मैं कह रहा था, एक समय ऐसा आएगा और जल्दी ही, कि ये शंकराचार्यों की गद्दी के शोधन का असंभावित मार्ग निकलेगा। वो आ गया, लोगों को ध्यान ही नहीं, असंभावित मार्ग निकलेगा। अब मैं संकेत करता हूँ, राजनेताओं में जिनका ऊंचे से ऊंचे राजनेताओं का मस्तिष्क जहाँ नहीं जा रहा है, अगर अपेक्षित शोधन भारत के राजनीतिक दलों ने भारत के अनुकूल नहीं किया, तो प्रकृति जो भगवान की शक्ति और दूती है, असंभावित परिवर्तन राजनीतिक जगत में लाके खड़ी कर देगी। उस समय फिर राजनेताओं के होश आवाज सब विलुप्त हो जाएंगे। उस घाटी के आने के पहले ही बुद्धिपूर्वक एक अभियान चलाना चाहिए। कम से कम अभी प्रभात झा जी ने अपनी कोठी पर वहाँ भोपाल में बुलाकर पूर्व मुख्यमंत्री गौर जी आदि सब थे, वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष आदि, एक संगोष्ठी का आयोजन किया। हम लोग भी राष्ट्र के हितैषी हैं, आप लोग भी राष्ट्र के हितैषी हैं, विचार करके ऐसा मार्ग निकालिए कि भारत भारत के रूप में उद्भासित हो। तो प्रवचन हमने प्रारंभ किया था, भारत विश्व का हृदय है, इसलिए भगवान भी भारत में ही अवतार लेते हैं श्री रामकृष्ण आदि रूपों में। भारत की हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए, तो पूरा विश्व हमको आदर्श मान करके हमारा अनुगमन करेगा। अंत में एक वाक्य, मान्य दलाई लामा जी हर साल कहते हैं, भारत हम बौद्धों का धर्मगुरु रहा है रहेगा, लेकिन उनको भी सोच लेना चाहिए कि भारत की जो प्रशस्ति है वो मनुवाद के कारण है या जैनिकों के कारण, बौद्धों के कारण, आज समाजियों के कारण। किस सिद्धांत की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है? मनुवाद की रक्षा के लिए। वेदादि शास्त्र सम्मत जो सिद्धांत है उसी के कारण भारत की प्रसिद्धि रही है। उसी सिद्धांत को बहुत ही मार्मिक ढंग से दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक धरातल पर भारत में क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। हर हर महादेव।